हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम सभी लोग बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट क्लास कक्षा 12वीं में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है जीवों में जनन की प्रक्रिया। जीवों में जनन जिसको हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि जीवों में जो जनन की प्रक्रिया होती है कैसे होता है, किस विधि से होता है और किस प्रकार होता है। तो आइए इसको समझने की हम समझने का प्रयास करते हैं। जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है, जनन अर्थात प्रजनन। प्रजनन शब्द को आप जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्रजनन शब्द या जनन शब्द अर्थात प्रत्येक जीव इस प्रकृति में जन्म लेता है और एक परिपक्व होने के पश्चात अपनी मृत्यु के पहले वह अपने ही समान एक नई संतान को पैदा करता है या संतति बनती है, वह प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया कहलाती है। यह जनन सभी जीवधारियों में पाया जाता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत किसी में उच्च वर्गीय पादपों में, निम्न वर्गीय पादपों में और जितने भी जीवधारी हैं सभी में जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक जीव जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व वह जनन क्रिया के द्वारा नई संतति का निर्माण करता है और इसी प्रक्रिया को हम जनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब बात टूटती है, हम यहां पर जनन के अंतर्गत हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि जनन की जो प्रक्रिया होती है, जनन के दौरान दो प्रकार दो विधियों के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके आधार पर एसेक्सुअल और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक प्रजनन यह जो प्रक्रिया है इसको हम परिभाषित शब्दों में उपयोग करते हैं। तो अलैंगिक जनन में कोई भी एक प्राणी की आवश्यकता होती है या सिर्फ एक ही प्राणी इस प्रक्रिया में भाग लेता है। जस्ट एग्जांपल, हम देखते हैं कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें प्रजनन के जो जनन की प्रक्रिया है उनके लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। उन माध्यमों में जैसे हम हवा के वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या जीवधारियों के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से, तितली के माध्यम से उनमें जनन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। आपको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि कोई पुष्प है और पुष्प में यदि वह मादा पुष्प है तो उसको नर पुंकेसर की आवश्यकता पड़ती है। तो नर पुंकेसर उनको हवा के माध्यम से उस पुष्प तक पहुंचते हैं, वर्षा का जो जल आता है वर्षा के जल के माध्यम से पानी से बहते हुए पुंकेसर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीवधारी या मानव जो गार्डन में घूमते भी रहते हैं वो अपने हाथों के माध्यम से पुष्पों को स्पर्श करते हैं, तो स्पर्शों हाथों के स्पर्श के माध्यम से भी नर युग्मक या पुंकेश्वर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए दोनों प्राणी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक ही प्राणी के माध्यम से यह अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं संचालित होती है। दूसरी बात, लैंगिक जनन की बात करते हैं हम। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दोनों प्राणियों की आवश्यकता होती है। दोनों प्राणी का कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें एक मादा होगा और एक नर होता है। तो आइए इन दोनों हम प्रजनन को अंतर के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक ही प्राणी भाग लेगा, एक ही प्राणी इसमें भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो प्राणी की आवश्यकता होती है। दो प्राणी में एक नर और दूसरा मादा होना अनिवार्य है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। इसके अंतर्गत अलैंगिक जनन के अंतर्गत इसमें प्रजनन की जो इकाई होती है, इसमें पौधों में भी यह अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो इनकी जो प्रजनन की इकाई है किसके माध्यम से इनमें जनन का प्रक्रिया होता है, तो इसके लिए बोलता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में प्रजनन इकाई कलिका
या उसका शरीर या कोई भी एक खंड, कलिका, शरीर या खंड के माध्यम से अलैंगिक जनन की क्रिया संचालित होती है। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में प्रजनन की जो इकाई होगी वह कौन सी होगी? युग्मक। इसके लिए युग्मक होना अनिवार्य है। युग्मक अर्थात कौन? युग्मकों के अंतर्गत हम बात करते हैं शुक्राणु या अंडाणु का होना अनिवार्य होगा। हम लैंगिक जनन के अंतर्गत तीसरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होता है इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक आपका शुक्राणु, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु दोनों निर्मित होते हैं। यह जो प्रक्रिया है आपने पिछले अध्यायों में या पिछली प्रीवियस कक्षाओं में पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया था कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया जो होती है। समसूत्री विभाजन में कोई भी कोशिका जब विभाजित होती है तो वह अपने ही समान दो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो आपका जो प्रजनन की प्रक्रिया के अंतर्गत अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा यह प्रजनन की प्रक्रिया संचालित होती है। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दोनों प्रकार का विभाजन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार का विभाजन इसमें पाया जाता है। इसी के अंतर्गत अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम बात करते हैं कि यह अलैंगिक जनन में जो जनक होते हैं जब उनमें प्रजनन होता है तो जो बनने वाला जीव होता है वह अपने जनक के समान ही बनता है। यह अलैंगिक जनन में जनक के समान ही जो संतान बनेगी वह अपने जनक के समान ही होती है। और लैंगिक जनन में जो संतान बनती है, जो संतति बनती है वह जनक से दिखने में भिन्न होती है। तो ये लैंगिक जनन है और ये अलैंगिक जनन है। इसमें अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो संतान बनती है वह जनक के समान ही अपना रंग रूप प्रदर्शित करती है, जबकि लैंगिक जनन में जो संतान बनती है वह होती तो जनक के समान ही है, जनक की ही संतान होती है, लेकिन उसकी आकार की, शरीर की और उसके जो लक्षण होते हैं वह अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। कुछ माता के भी उसमें लक्षण पाए जाते हैं, कुछ उसमें पिता के भी लक्षण पाए जाते हैं, और उनका जो हूबहू शक्ल उनकी नहीं होती है, अर्थात वह उनसे अलग दिखाई देते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रजनन की जो प्रक्रिया है यह दो विधियों के द्वारा होती है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के अंतर्गत। अब प्रश्न यह उठता है प्रजनन की प्रक्रिया में एक अंडा होता है और दूसरा एक भ्रूण पाया जाता है, तो भ्रूण और अंडा दोनों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। अंडा जो होता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु तब दोनों में निषेचन की क्रिया होती है, उसके पश्चात जो भ्रूण बनता है उसको हम भ्रूण कहते हैं। और अंडा जो होता है, अंडा अर्थात वह उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है, अर्थात अंडे के बारे में आप कहेंगे कि अंडा जो होता है यह अनिषेचित मादा युग्मक है, अनिषेचित मादा युग्मक को हम अंडा या अंड कहते हैं। और भ्रूण जो होता है यह निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के पश्चात, निषेचन के पश्चात दोनों मिल जाते हैं तो जो युग्मनज का निर्माण करते हैं
युग्मनज जब बन जाता है उसी को ही हम भ्रूण कहते हैं। यह निषेचन के पश्चात की प्रक्रिया है और यह निषेचन के पहले की प्रक्रिया है। और यह जो अंडा है या अंडा है, यह अंडाशय में बनता है, ओवरी में, अंडाशय में बनता है। वही जो भ्रूण होता है यह युग्मनज से, युग्मनज के माध्यम से ही क्या बनता है, भ्रूण बनता है, जो विकास करके बाद में जब वृद्धि करता है, डेवलपमेंट होता है उस भ्रूण का, तो बाद में वह एक शिशु या पादप बनता है। अर्थात भ्रूण के माध्यम से शिशु या पादप का निर्माण होता है और अंड के माध्यम से यह एक अंडाशय में बनता है, और जब इसी का फर्टिलाइजेशन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हम जनन की प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि पौधों में जो जनन के लिए, जिस प्रकार से जीवधारियों में या हम ह्यूमन की बात करें तो उनमें शुक्राणु और अंडाणु पाया जाता है, उसी प्रकार और भी जो पौधे होते हैं, पौधों में नर युग्मक के रूप में हम किसकी बात करते हैं, तो नर युग्मक के रूप में उनमें पुंकेसर पाया जाता है, जिसको हम पुमंग कहते हैं। यह नर पुष्प या नर पादप की पहचान होती है कि उनके पुष्पों में पुंकेसर पाया जाता है। वहीं मादा पुष्प की पहचान होती है कि उनमें जायांग पाया जाता है। और जायांग अर्थात यह मादा पुष्प की पहचान है, और पुमंग या पुंकेसर यह आपका नर पुष्प की पहचान होती है। इनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, पुमंग जब जायांग के पास पहुंचता है तो उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और अंडाशय में जाकर के नए नए बीज या आपके परागकणों का निर्माण होना निर्माण होता है, और एक निश्चित समय के पश्चात उनमें स्फुटन की क्रिया होती है और स्फुटन के माध्यम से वह बहुत सारे बीजों का निर्माण होता है। तो बेटा, तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा जीवों में जनन की प्रक्रियाओं को, बहुत शॉर्ट टर्म थ्योरी से हमने आपको समझाया है। थैंक यू।